अब देखो बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन के IUPAC नामकरण। ओके, तो देखो बच्चों, एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के लिए जो इम्पोर्टेंट रूल्स लगते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट रूल लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट रूल है कि हमें जिस एल्केन का IUPAC नेम करना है, सबसे पहले उसमें कार्बन एटम्स की एक कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। ओके, यही मैंने लिखा है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच मे और नॉट बी स्ट्रेट। पहले ये देखें, ध्यान रखना है कि जो आप कंटीन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेट भी हो सकती है और नहीं भी। बस ये देखना है कि जिस कार्बन चेन का आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दिस चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। आपने जिस कार्बन चेन को सिलेक्ट किया सबसे लॉन्गेस्ट है वो क्या कहलाएगी बच्चों, पेरेंट चेन या मेन चेन। ओके, इसी को पेरेंट चेन या मेन चेन कहते हैं। एंड अदर चेन्स अटैच्ड टू इट आर नोन एज साइड चेन्स। ओके, अब इस मेजर चेन में या मेन चेन में जो अदर एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उन्हें बोला जाता है बच्चों साइड चेन। समझ गए बच्चों कि कार्बन परमाणुओं की सतत लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं जो सीधी भी हो सकती है और नहीं भी, मींस स्ट्रेट लाइन में चल सकती है या नीचे की तरफ भी ले सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस श्रृंखला, ठीक है, चुनाव करते हैं जो सीधी भी हो सकती है और नहीं। इस श्रृंखला से जुड़ी अन्य श्रृंखलाएं पार्श्व श्रृंखलाएं तथा लंबी श्रृंखला जो होगी बच्चों, लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है, मुख्य श्रृंखला, या इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, पैतृक श्रृंखला। तो समझ गए ना कि जो भी आपको एल्केन दिया गया है उसमें आप एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें कार्बन कंटीन्यूअस जुड़े हों, अब चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो नीचे की तरफ इस तरह से झुकी हुई दिखे। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5 6, अगर आप एक स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो कितने हो रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां कितने हो रहे हैं 7, तो ये एक हमारी क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। जस्ट ऐसा इधर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो हम चाहे यहां से लें चाहे यहां से, दोनों तरफ से सेम पड़ रही है, तो हम इस तरह से एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन बच्चों, ये तो होगी पेरेंट चेन, मेन चेन, और बाकी जो एल्काइल ग्रुप बचे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, साइड चेन। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसके रूल्स अच्छी तरह से समझोगे, मैं समझता हूं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी एल्केन के नॉमेनक्लेचर। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो रूल है जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का, कि अगर ऐसा कोई एल्केन आ जाता है जिसमें इक्वल लेंथ वाली टू डिफरेंट मेन चेन पॉसिबल हो रही है, फिर से सुने, कोई ऐसा एल्केन है जिसमें इक्वल लेंथ वाली, ठीक है, दो मेन चेन पॉसिबल हो, तो ध्यान रखें आप उस चेन को सिलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि इफ टू डिफरेंट चेन्स, ओके, चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल, देन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स और एल्काइल ग्रुप्स इज सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन। समझ गए बच्चों कि यदि समान लंबाई की दो श्रृंखलाएं, लंबी श्रृंखलाएं संभव हो, तो आप उस श्रृंखला को का चुनाव करते हैं जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हो। देखो कैसे, जैसे यहां से लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, यहां से लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं
ठीक है, तो आप देखोगे कि इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट कम आएंगे, आपके दो या तीन सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। हम यहां से यू सिलेक्ट करेंगे तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। ओके, तो हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे बच्चों, ऐसे ये आएगी हमारी मेन चेन। तो ये क्या हो गई बच्चों, मेन चेन मींस पेरेंट चेन, आप इसी को पेरेंट चेन के फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। समझ गए ना कि जब दो या दो से भी ज्यादा इक्वल लेंथ वाली क्या हो बच्चों, चेन्स पॉसिबल हो, तो उस चेन को आप मेजर चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स हो, मींस एल्काइल ग्रुप। ये रूल आगे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन्स हो, या फंक्शनल कंपाउंड्स हो, सब में फॉलो होगा। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नंबरिंग ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का अंकन। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, लेकिन आपने उसकी नंबरिंग में गड़बड़ कर दी, तो ध्यान रखें नेम बिल्कुल गलत हो जाएगा, चाहे सब कुछ आगे के रूल्स आप फॉलो कर लें। इसलिए ये रूल्स को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। देखो इसमें कौन कौन से 3 रूल्स आएंगे बच्चों। इसमें पहला है कि इफ ओनली वन साइड चेन प्रेजेंट इन द मेजर चेन, एक ही आपको देखिए पूरे एल्केन में केवल एक ही साइड चेन दिख रही हो, तो ध्यान रखें आप नंबरिंग उस टर्मिनल से करोगे बच्चों जहां से उस साइड चेन वाले कार्बन को लोअर लोकेंट नंबर या लोअर नंबर मिले, मींस जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसका लोकेंट लो हो या लोअर हो। ओके, समझ गए बच्चों कि एक ही प्रतिस्थापी हो, तो अंकन वहां से करोगे जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो, निकट हो। तो यही मैंने लिखा है कि ओनली वन साइड चेन अटैच्ड विद द मेन चेन, द नंबरिंग स्टार्ट दोज एंड व्हिच गिव लोअर नंबर टू द कार्बन कैरिंग द सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए बच्चों कि उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है। यदि श्रृंखला में एक ही पार्श्व श्रृंखला हो, तो अंकन उस सिरे से करें जहां से उस कार्बन को कम अंक प्राप्त हो जो पार्श्व श्रृंखला रखता है। देखो बच्चों, जैसे 1 2 3 4 आपने यहां से किया तो ये 2 पर है पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन आप देख रहे हैं, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे, तो यहां से ये राइट, ठीक है, ये वाली जो नंबरिंग है ये राइट है। यहां आ जाए, यहां से 1 2 3 पे आ रही है, 1 2 3 4 पे आ रही है, तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। तो एक ये एक राइट जो है हमारी नंबरिंग है, जबकि यहां से अगर हम करते तो ये रॉन्ग होता। एक अब दूसरा है बच्चों कि आपने मेन चेन सिलेक्ट कर ली, और अब उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल इक्विवेलेंट पोजीशन में आ रहे हैं दोनों टर्मिनल से, मतलब इस तरफ से मान लो मिथाइल 3 में आ रहा है, तो उस तरफ से इथाइल 3 में आ रहा है, तो जब डिफरेंट जो है साइड चेन्स इक्वल पोजीशंस में हो मेन चेन में, तो ध्यान रखें नंबरिंग उस टर्मिनल से स्टार्ट करोगे जहां से अल्फाबेटिकली फर्स्ट एल्काइल ग्रुप नियरेस्ट हो। फिर से सुने, अगर डिफरेंट साइड चेन्स इक्वल पोजीशंस में हो मेन चेन में दोनों टर्मिनल से, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करोगे जहां से अल्फाबेटिकली फर्स्ट एल्काइल ग्रुप मीन साइड चेन नियरेस्ट हो। तो यही मैंने लिखा है कि इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट पोजीशंस, द नंबरिंग स्टार्ट्स दैट एंड फ्रॉम व्हिच साइड चेन विद अल्फाबेटिकली फर्स्ट गेट्स लोअर नंबर। समझ गए बच्चों कि यदि अलग अलग पार्श्व श्रृंखला समान दूरी पर हो, तो श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला एल्किल समूह कम अंक प्राप्त करे। देखो कैसे, एक एग्जांपल से, तो ये पहले आप नोट कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखो, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको आगे एग्जांपल्स, तब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आप अल्फाबेटिकली एल्काइल ग्रुप कौन सा नियरेस्ट आ रहा है। देखो यहां पर जैसे लिखा है CH3 CH2, यहां है CH3, फिर यहां पर है C2H5 CH2 CH3,
1 2 3 4 ओके, तो यहां से मिथाइल 3 पे आ रहा है और यहां से ले 1 2 3, तो यहां से इथाइल आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा एल्काइल ग्रुप, ये जो है बच्चों इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों मिथाइल ग्रुप। ओके, तो इथाइल ग्रुप ये जो है बच्चों अल्फा वर्टिकली ऑर्डर, ठीक है, और ये फर्स्ट है। तो नंबर यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। नियो आइसो टर्शरी, अगर इस तरह के एल्काइल ग्रुप आते हैं तो ध्यान रखें ये भी अल्फाबेटिकल डिटरमिनेशन में जो है कंसीडर किए जाएंगे। मींस नियो का एन, आइसो का आई, टर्शरी का टी, ये अल्फाबेटिकल फर्स्ट जो है डिटरमिनेशन में ये आते हैं, इनके फर्स्ट लेटर। ऐसे ही एक कंप्लीट एल्काइल ग्रुप जिसमें डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के टर्म यूज हो गए हों, और फिर मतलब जो कहें कि जब साइड चेन में ही क्या हो जाए, एक साइड चेन निकलाए और उसमें फिर आपने एल्काइल ग्रुप का IUPAC नेम किया है और उस एल्काइल ग्रुप का कंप्लीट नेम में डाई ट्राई आ रहा है, तो ध्यान रखें डाई ट्राई में भी अल्फाबेटिकल में डी और टी भी कंसीडर होगा। आगे हम देखेंगे, अभी आप सिंपल ये देखें कि इस तरह से अगर इक्वल लेंथ में दोनों साइड से, दोनों टर्मिनल से दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इक्वल पोजीशन में आ रहे हो तो ध्यान रखें नंबरिंग वहां से सही मानी जाएगी जहां से अल्फाबेटिकली फर्स्ट जो है साइड चेन या एल्काइल ग्रुप नियरेस्ट हो। तो 1 2 3 यहां से, 1 2 3 यहां से, लेकिन यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, तो हम इस टर्मिनल से करेंगे। समझ गए बच्चों, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो एल्केन है उसमें टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब ऐसे में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस टर्मिनल से हम नंबरिंग करें, तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप दोनों टर्मिनल से नंबरिंग करें। ओके, और एक लोकेंट्स जो है आपके लोकेंट्स उनका एक सेट तैयार करें। मान लो आप राइट हैंड से नंबरिंग कर रहे हैं, उसका एक सेट निकाल लें सारे लोकेंट्स का, और एक लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं उसमें सारे लोकेंट्स का एक सेट बना लें। फिर इन सेट्स को क्या करें, आप एक दूसरे से कंपेयर करें इनके जो लोकेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट को कंपेयर करें लोकेंट सेट में जो फर्स्ट डिजिट है, फिर सेकेंड डिजिट को कंपेयर करें, फिर थर्ड डिजिट को, जितने भी लोकेंट्स हैं दो सेट्स के बीच में कंपेयर करें। इस कंपैरिजन में जहां डिफरेंस मिले, जैसे दोनों में 2-2 है तो कोई डिफरेंस नहीं है, फिर एक सेट में 2 है और एक सेट में 3 है, तो यहां फर्स्ट डिफरेंस मिल गया ना, तो जैसे ही आपको फर्स्ट डिफरेंस मिले उस डिफरेंस में आप ये देखें कि किस सेट में लोअर लोकेंट आ रहा है। जिस सेट में लोअर लोकेंट आएगा वही लोअर सेट ऑफ लोकेंट कहलाएगा बच्चों। फिर से सुने, आप कार्बन चेन का दोनों टर्मिनल से नंबरिंग कर लें, सारे लोकेंट्स को दोनों टर्मिनल के बेस पर उनके लोकेंट्स नंबर का सेट बना लें, दोनों सेट्स को इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में कंपेयर करें, मतलब फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करें, दोनों सेम है तो उसको हटा दें, दूसरे डिजिट का कंपेयर करें। मान लो उस दूसरे डिजिट के कंपैरिजन में आपको पहला डिफरेंस मिल गया कि एक में 2 है और एक में 3, तो ध्यान रखें जिस सेट में लोअर लोकेंट होगा वही लोअर सेट ऑफ लोकेंट होगा। सेकेंड में नहीं मिल रहा डिफरेंस, थर्ड में जाए कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आ जाएगा ना, जैसे ही आपको फर्स्ट डिफरेंस मिले बस वहां आप देख लें किस सेट में लोअर लोकेंट है वही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा, इसके बाद कंपेयर नहीं करना। ओके, तो मैंने यही लिखा है कि व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन मेन चेन द नंबरिंग स्टार्ट दैट एंड व्हिच गिव्स लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। This means that when two or more different sets of locants are possible, that set of locant will be lowest set, okay, in which contain lowest set of locant for which compare, इसके लिए आप क्या करें, term by term of locants of both sets with other set each in order of increasing magnitude. Then observe first difference. और ऐसा compare करते करते आप first difference observe करें in the locants, the set with lower locant will be
लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। यहां तक बिल्कुल समझ गए होगे कि आपको दोनों सेट्स के डिजिट्स को कंपेयर करना है, जहां आपको फर्स्ट डिफरेंस ऑब्जर्व हो जाए उस डिफरेंस में आप देखें किस सेट में लोअर लोकेंट है वही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा। इसके आगे फिर आपको कोई कंपेयर नहीं करना चाहे कैसा भी हो। समझ गए बच्चों कि जब श्रृंखला में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो आप श्रृंखला का अंकन दोनों सिरे से कर लें। समस्त प्रतिस्थापियों के लिए आप क्या करें, एक उपस्थिति अंक या लोकेंट्स का सेट बना लें, दो सेट बना लें। इन सेट्स के नंबर के अंकों का क्या करें, आप तुलना करें। जहां पर आपको पहला अंतर दिखाई दे अंकों का, जैसे एक पहले अंक का कंपेयर किया दोनों सेम थे, फिर दूसरे अंकों का कंपेयर किया वो दोनों सेम थे या अलग हो गए, मान लो इनमें डिफरेंस आ गया, एक का टू है एक का थ्री, तो ध्यान रखें डिफरेंस ऑब्जर्व होते ही आप उस लोकेंट सेट को लोअर सेट ऑफ लोकेंट मान लोगे जिसमें आपको लोकेंट लोअर दिखता है। ओके, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो यही मैंने लिखा है कि इसके लिए श्रृंखला का अंकन उस तरह से होगा जहां से प्रतिस्थापी लोकेंट्स का छोटा समुच्चय प्राप्त होता है। इस छोटे समुच्चय के निर्धारण के लिए एक समुच्चय के अंकों को दूसरे समुच्चय के अंकों की तुलना बढ़ते क्रम में करते हैं, जिस तुलना इस तुलना के दौरान पहला अंतर आता है और जिस समुच्चय में छोटा अंक होगा वही छोटा समुच्चय होगा। समझ गए ना, ये रूल जो है 1993 के रूल्स में है, जबकि 1979 के रूल्स में है उसमें दिया है कि लोवेस्ट सम रूल लोकेंट के नंबर्स को ऐड करने से जहां क्या आ जाए लोअर नंबर, उनका जो रिजल्टेंट है वो कम आ जाए वही नंबरिंग सही मानी जाती है। तो कहीं कहीं तो ये रूल उसको फॉलो कर देगा लेकिन कहीं इसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें आपको यही रूल याद रखना है, उसको छोड़ दो। आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नोमेनक्लेचर में इसी रूल्स से करोगे, इससे आपको आगे चाहे वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, चाहे एल्कीन्स हो, एल्काइन्स हो, इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी लोकेंट्स की सही पोजीशन बताने में और पूरे एल्केन की नंबरिंग में। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों इसमें आ जाते हैं, ये है कंपाउंड 1 2 3 4 5 6। ओके, एक बार हमने ऐसे नंबरिंग की और एक बार हमने ऐसे नंबरिंग की। यहां से नंबरिंग करेंगे तो जो हमारा लोकेंट सेट है, ठीक है, पहला सेट आप देख रहे हैं लोकेंट सेट वो जाएगा 2 4 5। ओके, पहला सेट बनाया, फिर मैंने नंबरिंग यहां से की है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहां पर 2 फिर 3, ठीक है, 4 और 5, तो ये सेट बन गया दूसरा सेट, मतलब इस डायरेक्शन का ये सेट है, इस डायरेक्शन का ये सेट है। ओके, मतलब ये डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। अब हमने इनके लोकेंट्स को कंपेयर किया इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में, पहला किया सेम है, ठीक है, यहां पर नो डिफरेंस, पहला कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है पहले नंबर में। फिर आपने दूसरे को कंपेयर किया, यहां 3 और यहां क्या है बच्चों 4, तो आप देख रहे हैं कि यहां 3 और यहां 4, तो इसमें लोअर लोकेंट आया है, इसलिए बस अब आप आगे के कोई भी नंबर को आपको कंपेयर नहीं करना, केवल फर्स्ट डिफरेंस देखना है। आपने देखा यहां लोअर लोकेंट आ गया, इसका मतलब है कि ये जो सेट है बच्चों लोअर लोकेंट है, तो 2 3 5 करेक्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा, यही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होगा। जबकि ये जो सेट है ये रॉन्ग होगा, इसका मतलब यही हुआ कि जो फर्स्ट सेट है रॉन्ग नंबरिंग है जबकि सेकंड सेट में करेक्ट नंबरिंग है। बच्चों ये जो ऑर्डर है, ये जो नंबरिंग है, ये आल्सो फॉलो द, ठीक है, लोवेस्ट सम लोकेंट रूल। इसमें आप सम करके भी देख रहे हैं 2 4 5 11 2 3 5 5 3 10, तो ये सेट वैसे भी लोवेस्ट सम को भी फॉलो कर रहा है और लोवेस्ट सेट को भी फॉलो कर रहा है, तो यहां तो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आएगा जहां लोवेस्ट सम रूल जो है उस वो और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को ही प्रिफेयर किया जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों इसे एग्जांपल में देखो कि 3 यहां से ये चैन है, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो सेट हमारा क्या आएगा बच्चों,
बच्चों देखो, 3, 4 और 8, नहीं ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट। ओके यहाँ जाएगा 1, 3, 4, 9। हाँ सही सही, देखो बच्चों 3, 4, 9 तो यहां पर हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर यहां पर आ जाए तो ये हो गया 9, पहला सेट हो गया। अगर आप इस डायरेक्शन से चलते हैं यू, तो ये जाएगा 1 से 2 में, फिर यहां आ गया 7 और कहां पे 8। ओके अब आप इन दोनों सेट्स को कंपेयर करें, आप देख रहे हैं 3, 4, 9, 2, 7, 8, पहला डिफरेंस यही आ गया फर्स्ट वाले डिजिट में, 3 यहां पर 2 यहां पर, फिर आगे का हमें कोई कंपेयर नहीं करना। तो 3 यहां पर है 2 यहां पर, इसका मतलब है यहां पर लोअर लोकेंट आ गया, लोअर लोकेंट आ गया, तो इसका मतलब यही है कि करेक्ट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होगा बच्चों 2, 7, 8। करेक्ट नंबरिंग क्या हुई फिर हमारी, ये वाली, ये क्या होगी बच्चों करेक्ट नंबरिंग। अब ये नंबरिंग की बात करें तो ये हमारा क्या है बच्चों रॉन्ग नंबरिंग। ओके तो यहां पर ये नंबरिंग करेक्ट होगी और इसी के बेस पर इसका नेम होगा कि 2 मिथाइल 7, 2, 7, 8 ट्राई मिथाइल और इसका नेम हो जाएगा यहां तक। ओके तो अब हम यहां पर अगर लोवेस्ट सेट, ये लोवेस्ट लोअर सम ऑफ लोकेंट को कंपेयर करें लोवेस्ट सेट, तो आप देख रहे हैं कि 3, 4, 9 का 16 आ रहा है, 2, 7, 8 का 17 आ रहा है, लेकिन ये करेक्ट सेट है हमारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूट तो वायलेट हो रहा है, ये दूसरे के अगेंस्ट हो गए, लेकिन ऐसी कंडीशन बन जाए बच्चों तो आपको ध्यान रखना है केवल और केवल कि उसमें आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ही फॉलो करना है। ओके ज्यादातर में तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही पैरेलल होंगे, लेकिन कहीं ऐसा आ जाए तो आपको प्रिफेयर करना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों जब आपने नंबरिंग कर ली, सिलेक्शन कर लिया, अब आते हैं कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बच्चों, उन सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को वर्ड रूट से पहले लोकेंट्स नंबर सहित अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। ओके जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकली लोकेंट्स नंबर सहित लिखें। अगर एक ही प्रकार का सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मोर टू और मोर देन टू टाइम्स आता है चेन में, तो उनके नंबर के अनुसार डाई, मतलब 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, ये यूज करना है। फिर से सुने, एक से ज्यादा बार सेम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो डाई ट्राई यूज करके उसके नेम से पहले ये लिख देना है, ताकि ये पता चले कि वो कितनी बार है। तो यहां लिखा हुआ है कि ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन बिफोर द वर्ड रूट विद लोकेंट्स नंबर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समस्त प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शब्द मूल से पहले उपस्थिति अंक सहित लिखते हैं। ओके इफ द सेम सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस देन द प्रीफिक्स डाई, मतलब दो के लिए ट्राई, थ्री, टेट्रा, एक्सेट्रा आर अटैच्ड विद द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। समझे बच्चों, समान प्रतिस्थापी से अधिक बार आए तो संख्या के अनुसार डाई, टेट्रा आदि शब्दों को जोड़ दें। देखो कैसे, सपोज ये एक क्या लिखा है एल्केन। ओके ये हमारी मेन कार्बन चेन है, नंबरिंग हम यहां से लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके तो ध्यान रखें कि हम यहां लिखेंगे 2, 2 और 3, ये हो गया कुल कितने हो गए बच्चों ट्राई मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है ध्यान रखें, ये क्या है बच्चों मिथाइल ग्रुप, तो ट्राई मिथाइल और टोटल कार्बन है 5, तो इसका जो वर्ड रूप हुआ बच्चों पेंट, और ये सैचुरेट है क्योंकि हम एल्केन चल रहे हैं, तो ये हो गया 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सपोज आपके पास इस तरह का एल्केन है, ओके ये है, तो आप 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपने ये सिलेक्शन कर लिया, इसमें 1, 2 ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहां लिखेंगे 3, 3 डाई इथाइल और ये टोटल कार्बन है पेंट और सैचुरेट है तो एन। ओके और भी देखो बच्चों, जैसे ये लिखा है और यहां ऐसे लगा दें, तो यहां से 1, 2, 2 पर और यहां 1, 2 पर,
तो यहां पर 2 और 2 पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर 2 पर एक और 3 पर ये है, तो ऐसे में हमें यहां देखना होगा नंबरिंग यहां से लेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा यहां पर आपका 1 ये हो गया 2 3 4 5 6 तो पहले ये एथाइल ग्रुप है बच्चों और ये क्या है मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 4 इथाइल 2 2 अगर आप इनके लोवेस्ट लोकेंट सेट को बना के भी कंपेयर करोगे तो ये आएगा सेट सही क्योंकि ये 2 3 पे आ गए ये 2 2 पर तो 4 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल 2 2 और देखिए कहां पर आ रहा है 2 2 5 ट्राई मिथाइल ओके और ये क्या होगा बच्चों हेक्सेन देख लो एक बार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं 2 2 3 ट्राइमिथाइल पेंटेन ओके 3 3 डाइएथाइल पेंटेन ओके ये 1 2 इथाइल ग्रुप है यहां पर आपने नंबरिंग कर दी तो ये हो गया 4 इथाइल 2 2 3 ट्राइमिथाइल हेक्सेन अब मैं कुछ दे रहा हूं आपको आप उनको खुद करके देखना या तो आपको देखा होगा कि ये कंडेंस्ड फॉर्म में या कंप्लीट फार्मूले के फॉर्म में लिखे होते हैं कई बार कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे होते हैं आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन दे रहा हूं 1 2 CH3 CH whole twice CH CH3 whole twice ओके ये हो गया थर्ड अभी मैं एल्कीन नहीं दे रहा हूं मैं आपको ये हो गया CH3 whole twice CH CH2 whole 6 CH3 का whole twice CH CH3 का whole twice ओके इनको आप करके लिखना और देखते हैं हम तो ये मैंने कुल मिला के आपको ये एल्केन्स दे दिए आप इनके नोमेनक्लेचर करेंगे आगे हम और भी एल्केन्स के रूल्स हैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप इनको नोट करें ओके